भाई दूज भाई बहन के प्यार का त्योहार, भाई की लंबी उम्र की कामना का त्योहार। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को प्रेम स्वरूप भेंट देते हैं। भाई बहन के इस प्यार पर ग्रहण ना लगे इसके लिए भाई दूज पर कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले बात करते हैं पूजा की थाली की, क्योंकि इस त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण पूजा की थाल को माना जाता है। धर्म के जानकारों की माने तो पूजा की थाल में ये सात चीजें जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि चावल। थाली में अश्वत्थ के लिए चावल जरूर रखें, ध्यान रहे कि ये चावल टूटे हुए ना हो। मिठाई, तिलक के बाद मिठाई खिलाने का चलन है ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसलिए थाली में मिठाई जरूर रखे। कलावा, कलावा के बिना हर पूजा अधूरी होती है। रक्षा सूत्र की तरह भाई की कलाई पर इसे बांधने के लिए थाली में इसका होना जरूरी होता है। नारियल, नारियल को काफी शुभ माना जाता है, इसलिए इसे हर त्योहार में प्रमुखता से रखा जाता है। चांदी का सिक्का, थाली में चांदी का सिक्का जरूर रखें ताकि भाई पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और वो खुशहाल रहे। फूल, रिश्तों में खुशबू बरकरार रहे इसीलिए थाल में फूल जरूर रखे। कुमकुम, भाई के माथे पर इसे लगाया जाता है इसीलिए इसे भी थाल में अवश्य रखें। घी का दिया भी जरूर जलाएं। तो ये थी पूजा की सामग्री, लेकिन इन सामग्री से कैसे करें, अपने भाई को तिलक के दौरान किन नियमों का पालन करें, ये जानना भी बेहद जरूरी होता है। मान्यता है कि भाई दूज के त्योहार की शुरुआत यमराज और यमुना ने की थी, इसीलिए तिलक करने से पहले यमराज और यमुना की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद ही भाई को तिलक लगाना चाहिए। तिलक के दौरान बहन को भाई की सारी मुसीबतें दूर करने और लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तिलक के समय ध्यान रखें कि भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना जरूरी है। भाई को तिलक करने से पहले तक बहन को व्रत रखना चाहिए। निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान खुश होते हैं, फिर भाई बहन का रिश्ता मधुर बना रहता है। भाई को तिलक करने के बाद ही बहन अन्न और जल ग्रहण करे। तिलक करने के बाद भाई का मुंह मीठा जरूर करे। बहन को अपने हाथ से भाई को मिठाई खिलानी चाहिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है। हर भाई को आज के दिन अपनी बहन को सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। तिलक के दौरान भाई या बहन किसी को भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में शुभ कार्यों में काले वस्त्रों के पहनने की मनाही है। भाई दूज के दिन भाई बहन दोनों को किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए, ना ही एक दूसरे को अपशब्द बोलने चाहिए। अगर दोनों के बीच मनमुटाव हो तो आज के दिन उसे सुलझा लेना चाहिए। भाई का पूरे मन से सत्कार करना चाहिए, उसे भोजन कराना चाहिए। अगर भाई किसी वजह से घर ना आ सके तो उसके घर तिलक की सामग्री और सूखे नारियल भिजवा दे और भाई जो उपहार दे बहन को उसे प्रेम के साथ स्वीकार करना चाहिए। उपहार का निराधार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भाई को पूरे मन से उपहार देना चाहिए। जानकारों की माने तो इन नियमों का अगर आपने पालन कर लिया है तो आपकी कामनाएं अवश्य पूरी होंगी। भाई की उम्र लंबी होगी और खुशहाली उसके कदम चूमेगी। आपको और आपके परिवार को न्यूज नेशन और न्यूज तूती की तरफ से भाई दूज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल।